हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बीटेक बीबीए एमबीए जैसे कोर्स के लिए कैसी है। तो हम बात करेंगे कि इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी वगैरह कैसी हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी तो बेहतर है और लाइब्रेरी वगैरह भी अच्छी हैं और यह कैंपस भी बड़ा है काफ़ी। तो हम पहले कोर्स बीटेक के लिए बात करने वाले हैं कि यह कोर्स हमारे लिए बेहतर है इस यूनिवर्सिटी में करना। हाँ, इस यूनिवर्सिटी में बीटेक करने के लिए काफ़ी अच्छा है और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और हमारे बीटेक कोर्स में जैसे कि जो कि ब्रांच होती है उसमें स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है इन दिस यूनिवर्सिटी। तो हम आज कोर्स एलिजिबिलिटी और उसकी फ़ी क्या है तो हम उस पर बात करेंगे। तो पहला बीटेक है, तो बीटेक की 1 लाख फ़ी है और एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 विद 50%। एंड सेकेंड इज एमबीए, एमबीए की फ़ी की बात करें तो 1,35,000 एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। एंड थर्ड इज बीबीए की बात करें तो बीबीए की फ़ी हमारी है 50,000 और 10+2 विद 50% मार्क। तो इसमें हमारा अब फी की तो बात हो गई है, अब इसमें स्कॉलरशिप बहुत सारे पूछते हैं स्कॉलरशिप आती है कि नहीं। तो हाँ, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू आती है, अगर हम स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो हमारी स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। ऐसा कुछ नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। और इसका इसमें फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी, लाइब्रेरी वगैरह भी अच्छी खासी है इस यूनिवर्सिटी में। एमबीए और बीबीए अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है मतलब जाना चाहते हैं, अगर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो ठीक है यह यूनिवर्सिटी अगर कर लें इसमें बीबीए एमबीए जैसे कोर्स। अगर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो, अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो अच्छे ही कॉलेज में जाइए आप इंट्रेंस दे के। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो।